लेकिन मैं बता दूं कि उनसे सापेक्ष दर को लेकर के जब मैंने दो तीन बार सवाल किया, हमारे मीडिया के बंदे और प्रीतम भैया थे, न्यूज 18 के रजनीत भैया थे, वो बोल मटोल जरा आपको बोल रहे थे कि समय तो लगेगा। 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 70 अनुपात है शिक्षा का आगमन हुआ और रियलिटी में जमीनी स्तर पर 30:1 और 35:1 चाहिए शहरी और ग्रामीण में, पर उनको समय चाहिए। क्या 3 वर्ष कम था कि अज्ञातवास पाने वाला हम लोग? 3 वर्ष कम था। भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था भैया। भारत का संविधान चलिए, हम तो आप लोग के आंदोलन के समर्थन में पहले भी थे और आज भी आप लोग के आंदोलन के समर्थन में ही है, और इसके अलावा भी बीटेक एग्जामिनेशन के लिए छात्रों का आंदोलन भी बीच में चलता है, वहां से भी लोगों का कॉल आता है, तो हमने उनको यही कहा है कि आपका कॉल तो आपका मांग जायज है कि बीटेक का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन 7वां चरण रोक के करवाइए, ये ठीक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने उनसे यही कहा कि आप बीटेक का परीक्षा के लिए आप सरकार से आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको कंडीशनल मत बनाइए, क्योंकि इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उसका सफर जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र तो होंगे ही, बाकी जो तमाम स्कूल हैं जहां पे शिक्षक नहीं है उनको और कितना दिन इंतजार करवाना पड़ेगा, तो ये हमने उनको साफ साफ कहा है। और हमें लगता है कि सरकार के लेवल पर भी ये कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग की चूंकि बात हुई है और कल ही शपथ लिए हैं और आज सारा प्रक्रिया समझ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। अब वो जाएंगे भी आयोग विभाग में बैठेंगे माननीय मंत्री जी, उनसे हमारी बातचीत पहले भी हुई है कुछ मुद्दों पर, अलग वो उसमें विधायक थे हमारी तरफ, तो उनसे बात करेंगे और वो काफी संवेदनशील है इस चीज को लेकर के, जहां तक हमें उम्मीद है, तो बात करके जो पहले से अधिकारियों ने जो ग्राउंड वर्क कर रखा उस वर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हम कहेंगे, बातचीत होगी, और इसको किसी तरीके से कंडीशनल न बनाया जाए कि पहले बीटेक हो जाएगा उसके बाद उसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लगाएंगे, तो 2 साल और बढ़ जाएगा, तो उतना समय तक छात्रों को इंतजार करवाने का कोई मतलब नहीं है। और इनसे पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे वो भी अभी सरकार में है, तो उनसे भी हम लोग की बात पहले हुई है, आश्वासन भी मिला, पिछला महीना जो था उसमें तो ठोस आश्वासन देकर के आप लोग को उठाया गया था, पिछला जो आंदोलन आप लोग का था, तो हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नई सरकार है नई प्रक्रियाएं हैं, तो जितना जल्दी संभव है इसको ऑनलाइन सेंट्रलाइज मोड में करते हुए 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो और करवाने का प्रक्रिया शुरू की है, ये मांग हम लोग जल्दी ही रखेंगे सरकार के सामने जो नई सरकार आई है। और आप सबको पता है कि भाकपा माले सरकार के समर्थन में है लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं।